आज बहुत धुंध छाई हुई है तो चेहरा भी नहीं दिख रहा, आंखें भी नहीं खुल रही है गर्मी की वजह से और इस लाइव स्नोफॉल की वजह से। तो यहाँ पर लाइव स्नोफॉल थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हम टनल के पास ही है नॉर्थ पोर्टल में, तो यहाँ से आगे रास्ता बिल्कुल ही बंद है गाइज, तो इससे आगे हम आपको अपडेट देने नहीं जा सकते। जैसे ही रास्ता आगे का क्लियर होता है तो वैसे ही हम आपको अपडेट देने आगे जाएंगे। यहाँ पे रोड पे काफी स्नो है तो हमें यहाँ पर 4x4 लगाना पड़ा। बस दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म, आपके सामने है अटल टनल, एशिया की सबसे बड़ी टनल। ये सोलांग वैली का बड़ा सा एक्टिविटी ग्राउंड। तो नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? तो फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं अटल टनल सोलांग वैली की तरफ। आज हम जिप्सी में नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं सौरभ भाई की बलेरो गाड़ी में, क्योंकि आज हमें स्नोफॉल वाली वीडियो बनानी थी तो हमने सोचा अपनी गाड़ी नहीं ले जाते हैं। अभी हम मनाली से निकले हैं, वशिष्ठ पहुँचे अभी, जहाँ पर अपना स्नो ड्रेस की शॉप्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जाम बहुत तकड़े वाला लगा है। सबसे पहले हम अपनी गाड़ी में डालेंगे डीजल, डीजल गाड़ी हमारी आज वाली। आगे देख सकते हैं पूरा जाम लगा हुआ है, सोलांग वैली के रास्ते में फुल जाम लगा हुआ है। पेट्रोल डाल के सीधा निकलेंगे हम सोलांग वैली की ओर, अभी जाम लगा हुआ है यहाँ पर पूरा। यहाँ से आगे बहुत ही जाम लगा है हाईवे से, तो हम यहाँ से रिटर्न लेंगे, वापिस जाएंगे मनाली की ओर। और हम जाएंगे एक शॉर्टकट रास्ते से, शॉर्टकट तो नहीं है, लॉन्ग कट है, पर थोड़ा छोटा रास्ता है। आपने भी नहीं देखा होगा तो हमारी वीडियो में जुड़े रहे। अगर आपको भी सोलांग वैली जाना है जाम से बचना तो आप भी उस रास्ते से जा सकते हो, अभी नॉर्मल गाड़ियाँ भी उस रास्ते से जा सकती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दो चार यार मित्रों में ताकि वो इस जाम में ना फंसे। तो इतना ज़्यादा जाम था कि हमें वापस जाना पड़ा, इस जाम से बचने के लिए हमने दूसरा रास्ता चुना। आप देख सकते हैं जाम मनाली बाज़ार तक पहुँच चुका था। तो हम वापिस आ गए और ये है मॉल रोड, ये है अटल जी की मूर्ति। यहाँ से आप सीधा ओल्ड मनाली वाले रास्ते में जाएं, तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते तो आप जाते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल की ओर, और सीधा रास्ता लेते तो आप जाएंगे ओल्ड मनाली की ओर। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा लें, यहाँ से भी आपको राइट लेना है, यहाँ पर लिखा आएगा ओल्ड मनाली, लास्ट में ओल्ड मनाली ब्रिज जाएगा। यहाँ से आपको लेफ्ट नहीं जाना है, लेफ्ट में अपना ओल्ड मनाली विलेज पड़ता है, आपको जाना है राइट साइड। यहाँ से हम राइट लेंगे और राइट में हमने ये वाला रास्ता इसलिए लिया क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में दूसरे वाले रास्ते पे हाईवे पे पूरा जाम है, इसलिए हम गाँव वाले रास्ते से जा रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग कट जरूर है ये, पर रास्ता रोड कंडीशन भी अच्छी है लगभग, और जाम तो जीरो मिलेगा यहाँ से। अगर आपको भी जाम में नहीं फंसना है तो वीडियो देखिए और इधर से आप सीधा इधर इधर होकर ही आएँ। यहाँ पर थोड़ा सा पास देने में दिक्कत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि छोटा रास्ता ना, तो पास देने में थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी कुछ नहीं। और ये है क्लब हाउस जो अपना लोकल साइड सीन में आता है, मनाली लोकल साइड सीन में। तो इसके पीछे से आपको जाना है, सिंगल रोड है दोस्तों। इस वाले रास्ते में आ रहे हो तो आप विलेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे रहते हैं, और आप यहाँ के ओल्ड विलेज और ओल्ड होम भी देख सकते हो। लगभग अब तो सभी न्यू स्टाइल के घर बन चुके हैं, पर तब भी विलेज में कोई कोई घर अभी भी ओल्ड है, मड हाउस, काटकुनी कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पर विलेज से होकर जाएंगे तो आप यहाँ पर एप्पल गार्डन, ऑल फ्रूट, जो जो हिमाचल में फ्रूट होते हैं ना, नाशपाती, पलम, वो सब भी देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो आप राइट में एप्पल के गार्डन, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। क्यों सौरभ भाई? बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा ना यहाँ से आपको।
क्योंकि आप अगर हिमाचल घूमने आ रहे हैं, मनाली घूमने आ रहे हैं, तो अगर आपने एप्पल नहीं देखा, एप्पल का ट्री नहीं देखा, तो क्या देखा दोस्तों। इसलिए आप इस रोड को एक्सप्लोर जरूर करें, दूसरे वाले रास्ते पे जाम लगा हो तो। ये देखो एप्पल वैली पूरा। तो यहाँ ब्रिज से हम आगे हैं राइट लेकर सीधा सोलांग वैली वाले हाईवे पे, क्योंकि यहाँ से रास्ता खाली था तो हमने सोचा यहीं से निकल जाते हैं। रोड बिल्कुल खाली है और ये व्यू देख सकते हो आप, आगे स्नोफॉल हो रहा, तो यहीं पे सारी गाड़ियां रोक दी है फिर से आज। तो यहाँ से आपको 4x4 में ही जाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखो गाइस इतनी सारी 4x4 यहाँ पे, आओ मनाली आपका वेट कर रही है सारी। यहाँ से आगे 4x4 व्हीकल ही जा रहा था, इसीलिए रोड पे जीरो जाम है। तो हम इस रास्ते में आगे, वहां पर सारा गाड़ी रोका हुआ है, तो यहाँ से आगे अभी स्नोफॉल आगे ही हो रहा है तो इसलिए रोका होगा। तो खाली था रास्ता, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा सोलांग वैली। और जो ये वाला होम आप देख रहे हैं ना, घर देख रहे हैं, ये है क्रिश मूवी वाला घर, दादी वाला घर है ये। यहीं पे क्रिश मूवी भी शूट हुआ था, पैराग्लाइडिंग वाला सीन भी इधर ही हुआ था, जो उसमें पेड़ में लटक गए थे वो। पिछले वीडियो में हम राइट में गए थे, आज हम सीधा जा रहे हैं अटल टनल की ओर। देख सकते हैं सोलांग वैली बसता है 3 किलोमीटर। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, पलचान ब्रिज, इस पे भी एक शूटिंग हुआ है टेंगो चाली मूवी का। सुहाना व्यू लग रहा है यहाँ का। होप गाइस आपको मजा आ रहा होगा, बने रहो वीडियो में, क्योंकि अगर आप स्नोफॉल के दीवाने हैं तो अभी बस 5 मिनट में हमारी वीडियो में आपको दिखने वाली है लाइव स्नोफॉल। लॉन्गेस्ट जिपलाइन करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पर राइट साइड में एक्टिविटी होता है, रिवर व्यू भी आएगा, स्नो व्यू भी आएगा, यहाँ पर सारा एक्टिविटी होगा। यहाँ पे कुछ एक काउंटर नंबर है 26 9 280, और ये 3-4 काउंटर नंबर है जो यहाँ पर एक्टिविटी कराते हैं, आप देख सकते हो, आप इनसे एक्टिविटी भी ले सकते हो, एक्टिविटी भी कर सकते हो। फाइनली गाइस हम सोलांग वैली पहुँच चुके हैं। तो सोलांग वैली जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है और रोप वे, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ आगे बैरियर लगा है, शायद यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे, हम लोकल है हमें तो जाने देंगे। ये सोलांग वैली का बड़ा सा एक्टिविटी ग्राउंड जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। तो यहाँ पर हो रही है लाइव स्नोफॉल, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ से दिखाएंगे आपको रोड कंडीशन। अभी तो टूरिस्ट के लिए बंद है अटल टनल पूरी तरह। तो ये भाई है लाहौल से, तो हम जा रहे हैं इनके साथ घूमने। आगे देख सकते हैं आप, रोड में भी स्नो है पूरा, और हमारी इंडियन आर्मी भी आगे जा रही है, आईटीबीपी वाले ड्यूटी के लिए जा रहे होंगे। और ये स्नो गैलरी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा एवलांच यहीं पे आते हैं, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे दिखाएंगे आपको एवलांच कहाँ पे आए थे, और इसीलिए आपको रोका है अभी सोलांग वैली में। आपको लगता होगा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं हमारे को, पर आप देख सकते हो रोड कंडीशन ठीक नहीं है 2x2 के लिए, बर्फ की पूरी दीवारें यहाँ पे, ये एवलांच आया था यहाँ पे, ये रोड से क्लियर किया गया। अभी आगे हो रही है हल्की हल्की स्नोफॉल, सुबह थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, अभी लगता तो है होगी फिर से, क्योंकि स्टार्ट हो गई है। साइड से ब्यास ग्लेशियर को जाता है ट्रैक, समर में अगर आपको ट्रैक करना है तो ब्यास ग्लेशियर जा सकते हो आप, यहाँ से ब्यास रिवर निकलती है। फाइनली हम अटल टनल से 2 किलोमीटर दूर है अभी, और स्नोफॉल यहाँ पर अच्छी खासी हो रही है, देख सकते हैं आप 2 किलोमीटर रह गए हमारे को, व्यू बहुत शानदार लग रहा है यहाँ से। लाइव स्नोफॉल, यहाँ पे रोड पे काफी स्नो है तो हमें यहाँ पर 4x4 लगाना पड़ा, क्योंकि ऐसी जगह पे रिस्क नहीं लेना चाहिए।
चढ़ाई है अटल टनल की, जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं सुनो में। हर साल आप वीडियो में देखते ही होंगे, वो नॉर्मल गाड़ियों को ज्यादा होते हैं क्योंकि वो घूम जाती है एकदम से। स्नो में घूमना तो आप 4x4 लेकर आए, अगर आपको अपनी पर्सनल गाड़ी में घूमना तो अप्रैल से लेकर आप अक्टूबर तक अपनी गाड़ी लेके आए, नॉर्मली आप घूम सकते हो अगर स्नो नहीं रहेगी रोड में। तो दोस्तों फाइनली हम अटल टनल के पास पहुंच चुके हैं। बस दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म, आपके सामने है अटल टनल, एशिया की सबसे बड़ी टनल जो बनी है 10,040 फीट पे, लगभग 9 किलोमीटर की अटल टनल। तो अभी हम टनल भी क्रॉस करेंगे, दिखाएंगे आपको टनल उस पार का व्यू नॉर्थ पोर्टल का। अभी हम साउथ पोर्टल में, बर्फ तो बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है हमारे को। वेलकम टू अटल टनल साउथ पोर्टल। आप सभी का स्वागत है अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में, सिसु वाली साइड। तो उस साइड लग रहा है स्नोफॉल हो रही है, दिख नहीं रहा कुछ भी क्योंकि पूरा व्हाइट है। लाइव स्नोफॉल हो रहा है उस साइड, चलो देखते हैं व्यू। अच्छा तो ये रहा अपना नॉर्थ पोर्टल वाला व्यू, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा व्यू है स्नो में, स्नोफॉल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो रही है देख सकते हैं आप। सिसु इसीलिए बंद है, आप देखो रोड कंडीशन, इसीलिए सिसु नहीं जा पाएंगे आप, अगर आप 4x4 अलाउ भी होती है तो अटल टनल तक ही अलाउ होगी। आपको लग रहा था कि सिसु का रोड क्लियर है, इसीलिए हम आज आए हैं अपडेट देने आपको। यहाँ पे देखो सिसु जाना भी पूरी तरह बंद है क्योंकि रोड पे ब्लैक आइस जमी हुई है और लाइव स्नोफॉल भी हो रही है, इसीलिए बंद है सिसु का रास्ता। तो हम भी ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, जहां तक थोड़ा हमारे को लगे कि हमारा गाड़ी फंसेगा नहीं वहां तक जाएंगे। लगता है सिसु तो अभी 8-10 दिन और खुलने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ है रोड पे ही। देखो गाइस यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि सिसु का रास्ता बिल्कुल ही क्लोज है, बर्फ की बहुत ही दीवार है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। भाई के फोटो खींच लेते एक दो। आपको मजा आया होगा हमारी वीडियो देखकर। तो यहाँ से आगे रास्ता बिल्कुल ही बंद है गाइस, तो इससे आगे हम आपको अपडेट देने नहीं जा सकते, जैसे ही रास्ता आगे का क्लियर होता है तो वैसे ही हम आपको अपडेट देने आगे जाएंगे। फिलहाल हम आज यहीं से वापिस जाएंगे, बहुत मजा आ गया गाइस, आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।
तो मिलते हैं इसी के साथ न्यू ब्लॉग में, बाय बाय, हर हर महादेव। यहाँ पर लाइव स्नोफॉल थोड़ा ज़्यादा हो रही है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हम टनल के पास ही है, नॉर्थ पोर्टल में। नीचे रिवर देख सकते हो आप, पूरी जमी हुई है, चंद्रभागा रिवर, थोड़ी भी कहीं दिख नहीं रही है। देखो पूरा ग्लेशियर आया हुआ है, पूरी बर्फ ही बर्फ। आज ऐसा हो रहा है जैसे मानो आंख में दिख ही नहीं रहा कुछ भी। थोड़ी धुंध भी पड़ी हुई है, लाइव स्नोफॉल हो रहा था, इसलिए आपको व्यू दिख नहीं रहा होगा क्लियर। जैसे ही मौसम साफ होगा वैसे ही मैं फिर से अपडेट दूंगा और लाइव दिखाऊंगा आपको कैसा है व्यू। आज बहुत धुंध छाई हुई है तो चेहरा भी नहीं दिख रहा, आंखें भी नहीं खुल रही है गर्मी की वजह से और इस लाइव स्नोफॉल की वजह से। तो कल परसों फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।